चुनाव को लेकर है, जहां चुनाव प्रचार के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। अजमेर जिले के बाग सूरी ग्राम पंचायत में सरपंच पद महिलाओं के लिए आरक्षित होने से यहां महिलाओं के बीच रोचक मुकाबला होने जा रहा है। महिलाओं ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। बाग सूरी से सावित्री देवी वैष्णव भी सरपंच पद की प्रमुख दावेदारों में से एक है। उनके बेटे कपिल वैष्णव का कहना है कि उनकी माँ को गाँव वालों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। वे गांव गांव जाकर अपनी मां के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। सावित्री देवी भी व्यवहार कुशल होने के कारण प्रिय उम्मीदवार है। सावित्री का दावा है कि विकास के नाम पर लोग उन्हें जरूर अवसर देंगे। ग्राम पंचायत बागसुरी में ओबीसी महिला की सीट आई है, इसलिए मैं अपनी माताजी सावित्री देवी को चुनाव लड़ाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो ग्राम पंचायत बागसुरी में मुझे लग रहा है कि बहुत सी कमियां हैं, यहाँ पे सरकारी योजना का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है या सफाई की सुचारू व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इनको मैं एक सुचारू रूप से चालू करवा सकूं। पानी की व्यवस्था हुई, बिजली की व्यवस्था हुई और रोड लाइटें हुई है, साफ सफाई का है, स्वच्छ भारत अभियान का जो है उसको सुचारू रूप से व्यवस्था की जाए, और इसके अलावा जो भी राज्य सरकार की योजनाएँ आती है, मैं उन सभी योजनाओं को हर घर घर में हर व्यक्ति को लाभान्वित करवाना चाहता हूँ। और वैसे मैं ई मित्र संचालक हूँ, ऐसी कोई सारी भी योजना आती है राज्य सरकार द्वारा, मैं हर व्यक्ति को, जैसे पेंशन व्यवस्था हुई, पेंशन सभी गरीबों को, विकलांग और विधवा महिलाएं, इनको सभी को मैं पेंशन दिलवा दी। इसके अलावा जो पालनहार योजना है उसमें अपनी ग्राम पंचायत में ऐसा कोई भी विधवा महिला या कोई विकलांग व्यक्ति नहीं बचा हो जिसको मैंने पालनहार योजना को लाभान्वित नहीं करवाया हो। इसके अलावा जो श्रमिक कार्ड वगैरह है, श्रमिक कार्ड हुए, उनको जो शुभलक्ष्मी योजनाएं या छात्रवृत्ति की योजनाएं, ये सारी योजनाएं मैं पूरी ऐसी मेहनत कर रहा हूं कि कोई भी इस योजना से वंचित न रहे, ऐसा मेरा प्रयास है। और चलिए सुबह यहाँ पर एक ब्रेक का है, कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं।